हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन इवेंट वर्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने के लिए आपको विंडो, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम और उसके बाद एमएस ऑफिस पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेना होगा। अब यहाँ पर हम आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ बताएंगे। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, आप जब इंसर्ट टैब पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट में आपको टेक्स्ट वाले ग्रुप में ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिखता है। ये ऑप्शन आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सभी में मिल जाएगा। यहाँ तक कि जो आप यहाँ से वर्ड पैड प्रोग्राम ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको वर्ड पैड में भी इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है, पहले हम समझते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप वर्ड पैड प्रोग्राम चला रहे हो या आप एमएस वर्ड प्रोग्राम चला रहे हो, एक्सेस पावर पॉइंट दोनों प्रोग्राम चला रहे हो, तो आपको क्या होता है कि इसमें कोई दूसरे प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ता है। जैसे कि मैं इसमें एमएस वर्ड प्रोग्राम चला रहा हूँ, अब मुझे इसमें एक्सेल फाइल की आवश्यकता पड़ गई या एक्सेल वर्ड स्प्रेडशीट की आवश्यकता पड़ गई है, तो हम इसको क्या करते हैं, इंसर्ट पर जाते हैं और ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट आप एक्सेल प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट दिख रहा है, इसमें वर्कशीट दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट दिख रहा है। यहाँ से हम एक्सेल प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, एक्सेल वर्कशीट ओपन हो गया है। अब इस पर हम चाहें तो डबल क्लिक करके सीधे एक्सेल प्रोग्राम पर जा सकते हैं। यहाँ पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल वर्कशीट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मुझे एक्सेल डाटा चाहिए, यहाँ से सीरियल नंबर, फिर उसके बाद नेम, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, बस इतना डाटा हम पहले बना लेते हैं। यहाँ से आप जब ये डाटा तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद ये आपको वर्ड में दिखेगा। यहाँ से इसको सीरीज कर देते हैं, यहाँ से नेम टाइप कर देंगे, जैसे दो तीन नाम ले लेते हैं, अब इसको जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एमएस वर्ड वर्कशीट मिल गया है। अब इसको हम चाहें तो इसमें चार्ट भी इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से यूज कर सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ हम वर्ड पैड में करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेंट प्रोग्राम चाहिए, तो पेंट प्रोग्राम आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे पावर पॉइंट चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए, यहाँ पे देखिए पेंट प्रोग्राम का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे पेंट ब्रश पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ये पेंट प्रोग्राम ओपन हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, जैसे कि इसमें हमको कुछ बना के उसमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ यही तो होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम चला रहे हों उसी बीच में कोई दूसरा प्रोग्राम को ओपन करके और उसमें वर्क करके उस प्रोग्राम में इंसर्ट कराना होता है, यही उद्देश्य होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पर हम कुछ बना लेते हैं और उसके बाद इसको हम कलर कर देते हैं, यहाँ से इसको हम कलर कर देते हैं। अब यहाँ से इसको जब प्रोग्राम को क्लोज करेंगे तो ये जो मैंने बनाया है, ये जिस प्रोग्राम में हम वर्क कर रहे हैं उस प्रोग्राम में इंसर्ट हो गया। तो ये हुआ इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें, और कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू।